जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का केस, जिसका जजमेंट कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक किया। ये जजमेंट रिजर्व था 27 सितंबर से और इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल इशू किया है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो वेरियस जजेस ने जो पॉइंट्स इसमें मेंशन किए जजमेंट के टाइम पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। दोस्तों ये जो जजमेंट आया, इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जजेस की बेंच थी, लेकिन 5ों जजेस इसमें सहमत नहीं थे इसके फेवर में। ये रेशियो 3-2 का रहा, यानी कि 3 जजेस इसके फेवर में थे और 2 जजेस इसके फेवर में नहीं थे। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस वेला त्रिवेदी एंड जस्टिस JB पर्दीवाला, ये इसके फेवर में थे। इन्होंने 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को अपहेल्ड किया। और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, इन्होंने डिसेंट नोट दिया था, यानी ये एग्रीड नहीं थे। और इसको कॉन्सेंट किया, कॉन्कर किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री UU ललित साहब ने, यानी उन्होंने अलग से कुछ लिखा नहीं, उन्होंने जो भी रविंद्र भट्ट साहब ने लिखा था, डिसेंट नोट लिखा था, उसको उन्होंने कॉन्कर कर दिया, यानी उन्होंने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो रविंद्र भट्ट साहब ने जो डिसेंट नोट दिया, ये कंप्लीट डिसेंट नहीं था, ये पार्शियल डिसेंट नोट था, यानी कुछ परसेंटेज ये फेवर में थे जजमेंट के और कुछ परसेंटेज ये फेवर में नहीं थे। अभी हम आगे देखेंगे वीडियो में कि वो किस तरह से किन किन पॉइंट्स के तहत वो फेवर में थे और किन किन पॉइंट्स के तहत वो फेवर में नहीं थे। तो एक एक करके ये 5ों जो जजेस थे, इन सबका व्यू देख लेते हैं और इनके जो व्यूज हैं इसी में काफी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जो आपके एग्जाम्स में काम आएगी। इसके पहले एक बार आपको ये बता दूं कि ये जो केस था, इसमें ये जो 5 जजेस की बेंच थी, इनके सामने चैलेंजेस क्या थे। चैलेंजेस ये थे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो 10% रिजर्वेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। 103rd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, और क्योंकि 103rd अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, जिसमें फंडामेंटल राइट 15 और फंडामेंटल राइट 16 आते हैं। 103rd अमेंडमेंट एक्ट लॉ ऑफ इक्वालिटी को वायलेट करता है, इन्फ्रिंज करता है। और 103rd अमेंडमेंट एक्ट 50% रिजर्वेशन की सीलिंग लिमिट है, उसको भी वायलेट करता है। और इसी के कारण 103rd अमेंडमेंट एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, ब्रीच करता है। तो ये सारे चैलेंजेस जजेस के सामने थे, जिस पे उन्हें अपने व्यूज देने थे। सबसे पहले जस्टिस महेश्वरी, जो कि फेवर में थे, जस्टिस महेश्वरी साहब ने ये बोला कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, और उन्होंने इसको कनेक्ट किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन से, जो 2015 में रेजोल्यूशन पास हुआ था। और इसका कोर आइडिया था पॉवर्टी का एरेडिकेशन इन ऑल फॉर्म एंड फ्रॉम एवरीवेयर। ये भी कहा कि ये जो पॉवर्टी है, ये एक स्टैग्नेंट स्टेट पे नहीं रहती है, बल्कि ये और ज़्यादा पीछे जाती है, ये और ज़्यादा डिटोरिएट होती है, यानी जो गरीबी है, गरीबी से गरीबी बढ़ती है। गरीबी कभी भी स्टैग्नेंट रहती थी कि एक लेवल पे अगर आके वो स्टैग्नेंट हो जाए, फिक्स हो जाए, ऐसा नहीं होता है, बल्कि गरीबी से और ज़्यादा गरीबी फैलती है। इसलिए डेवलपमेंट के लिए जो प्राइमरी गोल है, वो पॉवर्टी का एरेडिकेशन होना चाहिए। और इसीलिए जस्टिस महर्षि ने एम्फेसाइज किया कि जो स्टेट्स के अफर्मेशन एक्शंस हैं, गवर्नमेंट के अफर्मेटिव एक्शंस हैं, उनका सोल क्राइटेरिया इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए सिटीजन्स की, ना कि कोई और क्राइटेरिया, क्योंकि उनका मानना है कि किसी भी तरह के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है पॉवर्टी का एरेडिकेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अफर्मेटिव एक्शन लेता है, कोई भी बेटरमेंट के लिए एक्शन लेता है सिटीजन्स के लिए, तो उनका सोल क्राइटेरिया इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए, ना कि कास्ट, रिलीजन या कुछ और। ये कुछ केसेस हैं जो जस्टिस मिश्री ने कोट किए हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, आप इनके बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं इस वर्डिट के बाद, अब जो एग्जाम्स आएंगे, तो इन पर्टिकुलर केसेस से कुछ क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। इसलिए आप इन सारे केसेस को अच्छे से डाउट कर लीजिए, और अगर आप चाहेंगे कि इन केसेस को मैं इंडिविजुअली आकर डिस्कस करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। केसेस हैं केशव नंदा भारती एंड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, MR बालाजी एंड अदर्स स्टेट ऑफ मैसूर, R चित्रलेखा एंड स्टेट ऑफ मैसूर, जानकी प्रसाद परिमू एंड स्टेट ऑफ JNK। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 46 है, जो आर्टिकल 46 जो SC ST
के लिए स्पेशल मेंशन करता है। उसमें उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 46 ना सिर्फ SC ST के लिए स्पेशल मेंशन करता है, बल्कि ये अदर वीकर सेक्शंस के लिए भी मेंशन करता है। और उनका ये मानना है कि जो SC ST के अलावा मिलियंस हमारे लाखों ऐसे सिटीजन्स हैं जो कि एक्चुअली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो आर्टिकल 46 का जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ SC ST पर लिमिट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अदर वीकर सेक्शंस हैं उनको भी ये इंक्लूड करता है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड होनी चाहिए, और इसमें वीकर सेक्शंस जो कि SC ST के अलावा एक बहुत बड़ा तबका है हमारे देश का, जो जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता है, उसको भी आर्टिकल 46 के अंडर ही आता है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपने जजमेंट में ये कहा कि ने बोला कि जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है जो जनरल और अनरिजर्व क्लास से बिलोंग करते हैं, और ये एक डिफरेंट क्लास है, इसलिए ये जो SC ST और OBC के राइट्स हैं इनको ये इन्फ्रिंज नहीं करता, क्योंकि ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट क्लास है। और इसी वजह से जो आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत ये वो इस बात से इनकार करती हैं कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है, ये इक्वालिटी कोड ऑफ इक्वालिटी को ब्रीच करता है। उनका मानना है कि ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का ये जो रिजर्वेशन है ये एक डिफरेंट क्लास है, ये कहीं से भी SC ST OBC के राइट्स को इम्पैक्ट नहीं करता, अफेक्ट। जस्टिस पर्दीवाला थर्ड जज थे जो इसके फेवर में थे, और उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री में 1.41 बिलियन लोग हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली वीकर है, और वो सिर्फ आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अंडर में कवर नहीं होते हैं। और ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 15(4) और 16(4) एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ को क्रिएट करता है, बट उसके अलावा भी पॉवर्टी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि वो पॉवर्टी के वो वाले डोमेन्स भी, पॉवर्टी के वो वाले सेक्शंस को भी एड्रेस करें, जिससे कि उनको हायर एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में उनको सपोर्ट मिल सके, उनको असिस्टेंस मिल सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बेसिस पे दिया गया है, ये कहीं ना कहीं जो एक अल्टीमेट गोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम एक कास्टलेस सोसाइटी क्रिएट करें, यानी एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करें जो जो कास्ट के बेसिस पे डिफाइंड नहीं होती हो, रिलीजन के बेसिस पे डिफाइंड नहीं होती हो। और ये जो क्राइटेरिया है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का, ये कास्ट से इसको डिटैच करता है, यानी कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जो असिस्टेंस दिया जा रहा है, हेल्प दी जा रही है, वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बेसिस पे दी जा रही है, ना कि कास्ट के बेसिस पे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि ये जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट है ये कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में पुश करता है हमें कि अल्टीमेटली एक कास्टलेस सोसाइटी क्रिएट हो सकती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट गोल भी है। अब आते हैं जस्टिस भट्ट और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने डिसेंट नोट दिया था। मैंने आपको बोला था कि इन्होंने पार्शियल डिसेंट नोट दिया, यानी ये टोटली इन्होंने इसको रिफ्यूज नहीं किया, इन्होंने पार्शियली इसको एक्सेप्ट किया। देखिए क्या था, जस्टिस भट्ट ने हमें डिसेंट नोट में बोला कि जस्टिस वॉज एग्रीड विद द मेजोरिटी ओपिनियन दैट इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 15 इज परमिसिबल बट डिसएग्रीड विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 16। यानी जस्टिस भट्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 15 में जिसमें कि आप रिजर्वेशन देते हो हायर एजुकेशन के लिए, वहां तक ठीक है, यानी 103rd अमेंडमेंट एक्ट वहां तक ठीक है जब तक कि आप उनको हायर एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन देते हैं, लेकिन आर्टिकल 16 जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट के लिए आप उनको रिजर्वेशन देते हैं उसके लिए उन्होंने डिसेंट दिया। उनका मानना है कि आप एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन दे सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बेसिस पे, लेकिन उनको रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए देना ठीक नहीं है। यहाँ पे उन्होंने इसको डिसएग्री किया, और उन्होंने कोट किया इंदिरा साहनी केस को, जिसमें कैटेगोरिकली बोला गया था कि जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे डिसाइड नहीं होगा। भट्ट ने ये सपोर्ट किया, इस पॉइंट को गौर से समझिए, कि जो DPSP भी ये बोलता है कि स्टेट को वो सारे मेजर्स लेने हैं, वो सारे स्टेप्स लेने हैं जिसमें कि वो इक्वालिटी को इंश्योर करें और जो सोशल जस्टिस है उसको इंश्योर करें, और जितनी भी टाइप की इनइक्वालिटीज हैं उसको इरेडिकेट करें, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो ये, और ये हमारे प्रियम्बल में भी इस बात का कमिटमेंट दिया गया है, इस बात को प्रॉमिस किया गया है।
तो ये जो रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बेसिस पे 103rd अमेंडमेंट के द्वारा, ये कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता है। जस्टिस भट्ट भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट में जस्टिस भट्ट ने बोला, जो कि डिसेंट का ही पार्ट था, इसमें उन्होंने बोला कि आर्टिकल 16(4) इस बात को प्रॉमिस करता है कि उन लोगों को सपोर्ट किया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए जिनका रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है कंट्री में। लेकिन ये जो रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, ये चूंकि जनरल कास्ट को दिया गया है और इनका रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ग्रांटिंग रिजर्वेशन टू अ सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन हु आर नॉट सोशली बैकवर्ड एंड हुज कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वुड बी इन वायलेशन ऑफ द प्रियम्बल एज वेल एज आर्टिकल 16(1)। उनका मानना है कि वो कम्युनिटी जिसका ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में रिप्रेजेंटेशन है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, उसको रिजर्वेशन देना ये प्रियम्बल का भी वायलेशन है और आर्टिकल 16(1) का भी। ये उनके डिसेंट नोट के पार्ट थे और इसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉन्कर किया, यानी उन्होंने साइन किया, उन्होंने अलग से लिख के कुछ भी नहीं दिया। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं जो क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस के एलिजिबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो अभी एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है वो ये बोलता है कि कैंडिडेट की फैमिली एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए, और जो फैमिली की डेफिनेशन है उसमें कैंडिडेट आता है, कैंडिडेट के पेरेंट्स आते हैं, उसके भाई बहन आते हैं जो 18 साल से कम है, उसके स्पाउस, अगर कैंडिडेट मेल है तो उसकी वाइफ, और कैंडिडेट का फीमेल है तो उसका हस्बैंड, और उनके बच्चे जो 18 साल से कम है, इन सब की कुल जमा जो इनकम है वो एक साल में 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। ये इनकम क्राइटेरिया है। और जो प्रॉपर्टी क्राइटेरिया है इसमें आता है कि 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड यानी कि 900 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्लॉट 1800 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए जो कि अदर अदर देन नॉन नोटिफाइड म्यूनसिपलिटी एरियाज में है। तो ये तो कंडीशंस अभी है। दोस्तों अभी ये जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट के बाद अब 103rd अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ बन चुका है, अब ये एक लीगल लॉ बन गया है। लेकिन इस जजमेंट में इस क्राइटेरिया को रिवाइज करने के लिए कोई मैंडेट नहीं दिया गया है, कोई प्रोविजन नहीं दिया गया, क्योंकि इस केस का बेसिस था 103rd अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। इनकम और जो प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया है ये इस केस का पार्ट नहीं था। तो इस बात की अभी पॉसिबिलिटी है कि ये जो क्राइटेरिया है इनकम का और प्रॉपर्टी का ये रिव्यू होगा, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया है जिसमें लैंड और प्लॉट है इसके क्राइटेरिया को रिव्यू किया जाएगा और रिवाइज किया जाएगा। दोस्तों इसके क्राइटेरिया में जो भी रिवीजन होगा, चेंजेस होंगे, परिवर्तन होंगे, वो हम आपके साथ लेके आएंगे वीडियो के माध्यम से। और जब तक इसका रिवीजन नहीं हुआ है तब तक यही क्राइटेरिया रहेगा फर्दर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को इशू करने का। मैं बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक फर्दर इन क्राइटेरियाज का रिवीजन नहीं हो जाता है तब तक जो एग्जिस्टिंग क्लॉजेस हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी और इनकम का क्लॉज है, यही एप्लीकेबल रहेगा एग्जाम्स के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए और जॉब के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा, और ज़रूरत होगी तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए फिर से बनाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।